मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मैंने यहाँ पे जमीन का सारा ऑयल खत्म कर दिया। ओ भाई यार, तो मैंने सोचा ही नहीं मैंने इतने सारे एक साथ लगा रखे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ सिटी स्काईलाइंस। और लास्ट एपिसोड का मैं आपको जल्दी से रिकैप दे देता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में मैंने अपना फॉरेस्ट इंडस्ट्री को 3 स्टार कर दिया था, जिसमें कि मैंने यहाँ पे फर्नीचर फैक्ट्री लगाई थी एक तो, और एक यहाँ पे बायोमास पैलेट प्लांट लगाया था जो कि पेपर बनाता है शायद, और एक ये मेट्रो सिस्टम मैंने पूरी सिटी में बना दिया है अपना। यहाँ पे ये एलिवेटेड है और बाकी पूरे में अंडरग्राउंड है, तो ट्रैफिक की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आज का मेरा जो गोल है वो है यहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री को सेटअप करना। देखो यहाँ पे ये जो नया मैंने जो नई जमीन मैंने खरीदी थी ना, इसमें देखो कितना ऑयल है यहाँ पे, ये पूरी मतलब इस पूरे एरिया में ऑयल है। तो इसको यार हम निकालने वाले हैं अब जमीन में से। और यहाँ पे एक रेलवे लाइन भी जा रही है, जिससे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं यहाँ पे एक हब बना दूंगा कार्गो ट्रेन का। और इस हाईवे को मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये 4-वे बनाना पड़ेगा मुझे। अभी ये 3-वे है ना, तो इंटरचेंज देखता हूँ यार मैं, 4-वे वाला है क्या बड़ा वाला? तो ये है क्लोवर लीफ, इसे लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले को बुला देता हूँ मैं अभी के लिए। अब लगाते हैं भाई क्लोवर लीफ वाला। ये रहा यार, तो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है। तो यार अब ये लग रहा है बिल्कुल सीधा, और ये लग गया यार, काफ़ी बड़ा इंटरचेंज है। और अब मुझे इसे ज्वाइन भी करना है यार, ताकि लोग आ जा सके। तो हाईवे रोड 3 लेन, और इसे यहाँ पे ज्वाइन, ये इधर ज्वाइन हो जाएगा, और ये इधर की डायरेक्शन भी सही कर दूँ मैं। ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर। ठीक है, इधर से सही हो चुका है। तो मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है भाई, बहुत बड़ा जंक्शन है यार ये, तो इस पर तो जाम कभी लगेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। और अब मुझे इसे शायद यहाँ से एलिवेटेड लेके आऊँ, या फिर नीचे से, क्योंकि यहाँ पे रेलवे ट्रैक जा रहे हैं ना ये। पहले इधर वाला और जोड़ दूँ यार, तो इसे हटाता हूँ। ये हमारी 6 लेन रोड है, इसे बनाते हैं आगे। और यहाँ से यार इसे बिल्कुल कर्व कराना यार, पता नहीं ये कर्व इतनी हो ही पाएगी नहीं हो पाएगी। अब इसे ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन तो हो गई। पर यार इसमें यहाँ पे टर्न बन रहे हैं, अपग्रेड करके देखता हूँ सही होती है क्या। तो इसे 3 लेन में अपग्रेड कर देता हूँ मैं, हो तो गई। पर अब भी एक टर्निंग लेन है यहाँ पे, चलो कोई नहीं। और यार यहाँ पे जमीन थोड़ी ऊंची नीची हो गई ना, इसलिए नहीं लग पा रहा था यहाँ पे ना, मुझे पहले जमीन बराबर करनी थी। तो ये तो बन गया है। तो यार लोग इंटरचेंज यूज तो कर रहे हैं, पर इधर से इधर नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे हैं। तो ये तो वापस से स्टार्ट हो गया है, एक बार सिटी में और देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब अच्छा चल रहा है अभी यार। एक ना यहाँ पे इनके लिए पाथ बना देता हूँ अगर बन रहा है तो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चलने के लिए इनके लिए पाथ बना दिया है, तो एक काम करता हूँ इसे ना, यह तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा ऐसे तो, मुझे तो छोटा सा बनाना है बिल्कुल। नहीं यार ये तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा भी यहाँ पे थोड़ी सी जोनिंग और कर दूँ। इसको कर देता हूँ मैं कमर्शियल की डिमांड है ना, ये पूरा कमर्शियल कर देता हूँ हाई डेंसिटी। और इधर वाला भी कमर्शियल, पर यहाँ पे यार इसे एक्सपेंड भी करना पड़ेगा ना पाथ को। अरे ये मैंने क्यों उड़ा दी। ठीक है, अभी पूरा पाथ हो गया यहाँ पे कनेक्टेड, और इसे यहाँ से भी कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें पूरा मैं करता हूँ मैं रेजिडेंशियल जोन, क्योंकि पॉपुलेशन यार बढ़ नहीं रही अभी, 13,000 पे रुकी हुई है काफ़ी दिन से। ये पूरा अपना रेजिडेंशियल हो जाएगा, और इधर भी रेजिडेंशियल ही कर देता हूँ अभी, जितने लोग आएंगे बढ़िया है। इतने ये हो रहा है, इतने यार चल के इधर बनाते हैं आगे की रोड, और इसको नीचे से ले जाते हैं यार। तो ये 3 लेन मुझे यहाँ से नीचे करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, देखता हूँ कि इसे कितनी जगह चाहिए। यार ऐसे भी बढ़िया लग रहा है, तो अब मुझे ना बराबर बनाने पड़ेंगे एकदम। ठीक है, अभी बराबर आ चुके हैं यहाँ तक। और यहाँ पे थोड़े एरो चेंज कर दूँ, नहीं ये इधर को ही बनेंगे सारे। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा से ना मिनरल्स और देख लूँ कि कहाँ पे कितने थे। यार एक चीज़ तो भूल गया, इधर पानी वानी तो मैंने करा ही नहीं ना सारे में। यहाँ पे देखो थोड़ा सा रह रहा है ना इधर, इन्हें भी कनेक्शन दे दूँ मैं, ये डन। तो यार और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से थे। यहाँ पे ये पूरा पेट्रोलियम है, तो यहाँ से तो इस रोड को सीधे ले जाता हूँ ना अभी, बाद में नया वाला आईलैंड से खरीद के इससे ज्वाइन हो जाएगी। और यार मैं सोच रहा हूँ एक ना यहाँ पे अभी इंटरचेंज लगा दूँ, ताकि इधर आने का भी रास्ता बन जाए। ठीक है, तो एक स्मॉल इंटरचेंज लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये ज़्यादा छोटा नहीं हो गया। और ये मुझे लग रहा है इसने जगह सारी तो नहीं ले ली, नहीं। तो अब इसे बनाते हैं इधर को, ये 6 लेन का इंटरचेंज है, और इससे 6 लेन की रोड आएगी इधर, जो कि बाद में इधर आ जाएगी। अभी के लिए इतनी छोड़ देता हूँ इसे, और ये 6 लेन की जाएगी इधर। तो यार नहीं क्रॉस, बहुत बड़ा ब्रिज बनेगा यार इधर, तो इतना बड़ा ब्रिज तो नहीं बनाऊँगा अभी।
वैसे ये वाली जमीन भी अपनी है, इस पे भी देखता हूँ मैं क्या क्या है। इसमें फार्मिंग है, पर यार ये ब्रिज बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। कुछ और देखता हूँ मैं इसका तरीका बाद में। अब इस मेन रोड के दोनों तरफ बनाते हैं भाई इंडस्ट्रियल रोड, 2 लेन वाली। तो अब पहली फैक्ट्री मैं अपनी लगा दूँ ताकि काम स्टार्ट हो। तो सबसे पहले मुझे लगानी है ये रहा ऑयल हमारा, इसके अंदर है मेन बिल्डिंग इसकी। अरे इसको तो जगह चाहिए, अरे इस रोड को हटानी पड़ेगा। तो यार अब और चीज़ें भी खुल गई है, दिखाता हूँ मैं। जैसे कि स्मॉल ऑयल पंप खुल चुके हैं, ऑयल स्लज पायरोलिसिस, तो जो सेपरेट करता है इंग्रेडिएंट्स को, वो वाला प्लांट भी खुल गया। और ये क्या है, ऑयल टैंक, क्योंकि स्टोर भी करना है ना बाद में फिर। नहीं यार मुझे लग रहा है ना पहले इंडस्ट्रियल एरिया पेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा इधर, इधर पूरे में ऑयल ही है। अब लगाते हैं यार अपनी मेन बिल्डिंग, ठीक है। ये लग गई मेन बिल्डिंग और इसका पानी, अरे इधर बिजली का भी इंतजाम करना है। तो बिजली के लिए यार एक कोल पावर प्लांट लगाया था, पैसे बहुत है अभी, 3 लाख के आसपास हो रखे हैं मेरे पास। तो उसके लिए एक नॉर्मल सी रोड, ये फिर ऑयल इंडस्ट्री पास में, तो ऑयल पावर प्लांट ना लगा दूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ पे ना ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, मुझे पहले थोड़ा ना इसे सही कर देना चाहिए था, पर अब मैंने स्टार्ट कर दिया ना काम। और यार ये वाला पूरा गड्ढा हो रखा है, ये भी फिल करना है अभी। तो यार देखता हूँ कहाँ कहाँ पर प्लांट लगाना है अभी। इलेक्ट्रिसिटी, ये है ऑयल पावर प्लांट जो कि 50,000 का है, इसकी तो डिमांड इससे पूरी हो जाएगी, पूरी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक यहाँ से कनेक्शन और देना पड़ेगा मुझे, जो कि अभी ऐसे आ जाएगा। तो इसको बिजली अब मिल रही है, इसको पानी का और इंतजाम करना है मुझे। तो एक तो वाटर इनलेट लगेगा यहाँ पे, इधर लगाया तो, और जो वाटर आउटलेट लगेगा वो मैं किधर लगाऊँ, इधर लगाया था, क्योंकि फ्लोइंग वाटर है ना तो सब आगे चला जाएगा, क्योंकि फ्लो इधर से इस तरफ को है। अब इसको पाइप से कनेक्शन कर देते हैं पूरे को, और इससे इसको कनेक्ट, ठीक है। अभी के लिए इतना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो ये इसमें वर्कर तो खड़ा है पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, इधर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ट्रैफिक तो सही फ्लो हो रहा है, अब चलता हूँ उधर वापस। बीच बीच में ना सिटी को देखना पड़ता है भाई, कुछ भी दिक्कत आ जाती है। अरे इसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको भी नहीं मिल रही, तो इसे तो इससे कनेक्ट कर देता हूँ मैं। और इसके लिए मुझे यहाँ तक लानी पड़ेगी, तो अब शायद ये स्टार्ट है सब कुछ। अब मैं लगाता हूँ बाकी की बिल्डिंग्स, जो कि मेरी है ये ऑयल पंप्स। पर ऑयल पंप लगाने से पहले ना मुझे यहाँ जगह बनानी पड़ेगी, तो इंडस्ट्री रोड ही बनाता हूँ मैं इधर से, ठीक है। ये होगी पूरी इंडस्ट्री रोड अपनी, और ये हो जाएगी इधर कनेक्ट। तो इधर तो अपनी मेन बिल्डिंग्स लगा दूंगा, और जो बाकी की बिल्डिंग्स होंगी ना ये, क्योंकि मैंने एक बार देखना चाह रहा हूँ कि कितनी स्पेस लेता है ये स्मॉल पंप जो है, बहुत ही कम स्पेस ले रहा है। तो अरे इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सबको, काम करता हूँ ना, नहीं रोड के दोनों साइड लगा दूँगा। तो यार मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इनके पास भी ट्रक आते हैं क्या, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्हें इतने पास पास लगा रहा हूँ और यहाँ पे फिर जाम लग जाए, तो इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं अपनी थर्ड बिल्डिंग और लगा दूँ। यार ऑयल प्लांट चल नहीं रहा क्या? बिजली तो यार काफ़ी बना रहा है, 145 मेगावाट की बिजली बना रहा है। और यहाँ पर इम्प्रूव कर देते हैं सब चीज़ें, और देखता हूँ कितना अभी प्रॉफिट तो माइनस में है खैर। और 500 वर्कर चाहिए, अरे हाँ यहाँ पे वर्कर कैसे लाऊँ मैं तो भूल ही गया था। तो शायद मुझे यार इस वाली मेट्रो को ना एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी के लिए तो इस रोड को ज्वाइन करते हैं। कैसे हो पाएगी ये, मुझे लग रहा है ज्वाइन होगी नहीं ऐसे, ट्राई कर लेता हूँ एक बार। वो तो वही इधर से, तो ये लोग यू टर्न लेके इधर वापस आ रहे हैं, इजी रोड क्यों नहीं बन रही है। स्टार्ट करके देखता हूँ कोई आया क्या इधर, तभी तो गाइस एक भी वर्कर नहीं आ रहा है इधर, तो कोई भी नहीं आ रहा, फिर यहाँ इंडस्ट्री कैसे बनेगी ये। फिर मेट्रो ही बनाया था वो इनके लिए भी, नहीं तो कोई इधर आएगा ही नहीं फिर। तो ये मेट्रो येरी, तो सीधा ना यहाँ पे एक स्टेशन बना देता हूँ, जो कि एक सब्सिडरी होगी उसकी। एक काम करता हूँ अंडरग्राउंड बना देता हूँ ये वाला, तो बिल्कुल मैंने इंडस्ट्री के साइड में मेट्रो स्टेशन बना दिया ये रहा, लेकिन ज़्यादा ही साइड में बन गया, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। नहीं यहीं पर लग रहा है, इसको ना हल्का सा मैं डेकोरेट कर दूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे स्टेशन है। एक काम करता हूँ ना थोड़े से यहाँ पेड़ लगा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे, ठीक है। अभी हो गया हमारा मेट्रो स्टेशन, इसे भाई फटाफट मैं ज्वाइन कर देता हूँ ताकि यार पैसेंजर आ पाए। तो इसे यहाँ से कर्व करके ले चलते हैं, यहाँ से तो ये बिल्कुल सीधी सीधी आ जाएगी। यार इस वाले मेट्रो को मैं पैरेलल वाला ना बना दूँ, एक मिनट, ये क्या है, लार्ज अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पैरेलल विद 4 पैरेलल ट्रैक्स आइडियल फॉर बिजी एरियाज। अब ये ना देखो यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हुए हैं, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, कभी ट्रेन भिड़ जाए आपस में। एक लाइन बनाता हूँ अब यहाँ से, तो ये न्यू लाइन है बस, इधर जाएगी और वापस आ जाएगी। इसका कलर चेंज करना है मुझे लाइन का, यार यहाँ पर ट्रक्स तो काफ़ी सारे निकल रहे हैं,
इनका पीछा करता हूँ मैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखता हूँ यार ये कहाँ जाता है। तो ये हाईवे से होते हुए जा रहा है पूरा, तो ये तो मेन हाईवे पे निकल गया। और जो ये वाला है ये किधर जा रहा है, ये इस तरफ। तो सारे अब सिटी से बाहर जा रहे हैं एक्सपोर्ट करने, ठीक है। इसमें क्या है, नॉट इनफ फ्यूल। यार ऑयल प्लांट को फ्यूल क्यों नहीं मिल रहा जब साइड में बन रहा है। शायद यहाँ पे स्टोरेज वगैरह नहीं है ना। यार इसके लिए कौन सा बजट बढ़ाऊँ मैं, तो अपनी अगली बिल्डिंग लगाता हूँ। अब देखता हूँ कौन सी थी तीसरी जो ओपन हुई थी। ये प्लांट है जो कि नहीं इसी चीज़ को यूज़ करेगा, यहाँ पे बन रही है। तो इसे मैं यहाँ मेट्रो के साइड में लगा दूँ। एक इधर लगा देता हूँ और एक इधर। अब ये ट्रक एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये सब इधर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये ऑयल से पेट्रोल निकाल, मतलब पेट्रोल अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो जो क्रूड ऑयल निकलेगा उससे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना, उसके लिए भी कुछ लगाना पड़ेगा मुझे। स्टोरेज का भी बना देता हूँ। स्टोरेज का ना एक पूरा सेक्शन बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। और इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, अभी 31 वर्कर काम कर रहे हैं इसमें। मेट्रो तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। एक बार लाइन देखता हूँ, ये मैंने सेकंड लाइन बनाई है ना, अभी इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लू, ब्लैक कलर कर दिया मैंने। यार ये मेट्रो भी गई तो यहाँ पे, तो यार ये आई मेट्रो यहाँ पे, यहाँ से गायब हो गई। पर यार मैंने तो पूरा रिटर्न का ही बना रखा है इसका, जैसे रिटर्न जाना चाहिए ना यहाँ से। नहीं जा रही है। और देखो लोग भी उतर रहे हैं। ये रे बढ़िया, तो यहाँ पे काम चल गया है, वर्कर्स आ रहे हैं। और प्रॉफिट अभी तो नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है। अभी मुझे प्लास्टिक की भी फैक्ट्री लगानी है ना यहाँ पे। और इनको भी रॉ मटेरियल मिलना स्टार्ट हो गया, ये वाला प्लांट तो स्टार्ट भी हो गया। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी रोड और एक्सपेंड कर लेता हूँ, इंडस्ट्री रोड। तो कहाँ गई इंडस्ट्री रोड। और ये जो ये वाली रोड है ना, इसे मैं वन वे करना चाह रहा हूँ ताकि यहाँ पे ना जाम ना लगे। अरे अपग्रेड क्यों नहीं हो रही। हाँ ये वाली ठीक है। तो अभी ये लोग यहाँ पे ना रिवर्स नहीं आएंगे, दोनों लेन को ऐसे जाने के लिए यूज़ करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे, तो इसे भी बराबर ही रखते हैं इतने ही, ठीक है। और यहाँ पे यार और प्लांट लगाया तो जितने ज़्यादा निकलेंगे ना, क्योंकि स्मॉल प्लांट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी। तो ये ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भी मुझे वही वाला काम करना पड़ेगा। और इनको पानी और दे दूँ मैं पहले, तो यहाँ सारे में पानी की लाइन बिछा देता हूँ नीचे नीचे। तो यार सारे काम कर रहे हैं और ऑयल निकल रहा है इनसे, पोल्यूशन तो बहुत होगा इधर। और यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का भी कुछ बनाना पड़ेगा। तो एक इंसिनरेशन प्लांट लगा देता हूँ यहाँ पे। तो किधर गया इंसिनरेशन, ये रहा। तो एक स्मॉल इंसिनरेशन प्लांट इनके लिए काफ़ी रहेगा यहाँ पे। तो अब इनकी गार्बेज की प्रॉब्लम सॉल्व, और देखते हैं कितना लेवल हुआ इसका। तो इसमें 470 वर्कर काम कर रहे हैं। मेट्रो मैंने सही है कि लगा दिया। अभी भी यार 280 का मुझे वो हो रहा है, जबकि सारा अपना ओन प्रोडक्शन है अभी। तो गाइस लेवल 2 रीच कर लिया है, इससे अब एफिशिएंसी बढ़ गई है, पोल्यूशन कम हो गया है। पेट्रोकेमिकल प्लांट खुला एक तो, और स्मॉल ऑयल ड्रिलिंग रिग, ये शायद पानी में लगाने वाली होगी। और प्लास्टिक फैक्ट्री खुल गई, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही प्लास्टिक बनती है। और ऑयल इंडस्ट्री वर्कर बैरक, ठीक है। काफ़ी कुछ खुला है, पूरा एरिया एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे नहीं, इधर तो यार पूरे में ये मिनरल्स वगैरह है ना, तो इधर तो अपने एक्सट्रैक्शन की यूनिट्स लगनी चाहिए। जो स्टोरेज वगैरह है ना, वो मैं इधर करता हूँ। यार सिटी की पॉपुलेशन भी 15,000 हो चुकी है, और सोलर प्लांट खुल गया है काफ़ी बड़ा। ये मैं बाद में देखूँगा, अभी अभी के लिए मुझे यहाँ देखना है। तो देखो यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पूरे में ऑयल है, तो यहाँ पे तो यार ये जो ड्रिल कर रहे हैं ना, ये लगने चाहिए। स्टोरेज वगैरह ना वो इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए मैं इधर अलग से एक रोड बनाता हूँ, थोड़ा इधर लास्ट में आके बनाता हूँ, ठीक है। ये बन गई एक और रोड। अब यहाँ पे बनाते हैं भाई अपने आगे की चीज़ें। तो यार ये जो ऑयल रिग खुला है, पानी में लगता है फिर, नहीं यार ज़मीन में ही लग रहा है, हल्का सा गैप छोड़ रहा। ये शायद इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उससे, वर्कर्स और ज़्यादा इन्हें लग रहे हैं अब। मैट भाई ये तो पेड़ तो सारे उड़ गए यहाँ से। इंडस्ट्रियल एरिया में पेड़ लगाना भाई कोई फ़ायदा नहीं है, देखो सारे गायब हो जाते हैं थोड़े दिन में। और अब थोड़ा मैंने इंपोर्ट करना भी स्टार्ट करा, ऐसा क्यों, ऑयल की कमी पड़ रही है। स्टोरेज बनाते हैं भाई, स्टोरेज में होगा तो अपना और बढ़िया काम चलेगा फिर। ये हमारा पेट्रोकेमिकल प्लांट लगा दिया मैंने, नहीं पेट्रोकेमिकल थोड़ी लगाया। टेक ऑयल एंड यूज फ्लूइड कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस बेसिस फॉर पॉलीमर्स। प्लास्टिक बनती है इससे, ऑयल प्रोड्यूस, ठीक है, इससे बनती है प्लास्टिक। और क्या है, तो क्रूड ऑयल का है, और एक ये है स्मॉल क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल अगर मुझे स्टोर करना है तो वैसे ही करना तो इधर ही चाहिए। चल इधर ही कर देता हूँ, और मेन रोड से ना साइड में करूँगा, ठीक है। एक यहाँ पे बन गया, दूसरा इधर बना देता हूँ।
तो यहाँ पे सेकंड लगाता हूँ मैं, और इनको पानी और बिजली दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों मुझे इधर से लानी पड़ेंगी। ये भी टेम्परेरी लगा रहा हूँ, बाद में हटा दूँगा इसे मैं। और पानी की तो पाइपलाइन लगानी पड़ेगी पूरी, जो कि ऐसे लग जाएगी। तो अब ये भी वर्किंग में है, तो गाइस ये भी वर्किंग में है अब। और यहाँ पे ना क्रूड ऑयल स्टोर होगा, और मैंने इसे बैलेंस पे रखा है अभी। तो मैंने स्टोरेज लगाई ना, वो जैसे पिछले बार हुआ था वुड वाले में, कितने सारे ट्रक आ गए एक साथ। कोई नहीं, इन्हें स्टोर मतलब इन्हें स्टोरेज को फुल कर देंगे फिर हट जाएंगे। ये अभी कितना है, 0 बैरल है इसमें, इसके अंदर स्टार्ट हो गया भरने। और इधर भी देख लेता हूँ मैं कितना ऑयल बन रहा है, कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है। तो 5,000 यूरोज का प्रॉफिट होना स्टार्ट भी हो चुका है, 5,700। और अभी जबकि मैंने दूसरी फैक्ट्री लगाई भी नहीं है, और दूसरी फैक्ट्री भी मुझे अभी लगानी है। ये क्या है, ऑयल स्लज प्लांट है ना ये। तो एक काम करता हूँ, इसके पास में दूसरी फैक्ट्री लगाता हूँ, जो कि है अपनी ये वाली। किधर गई मेन बिल्डिंग? तो अरे पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाते हैं किधर, तो इससे मैं ना इधर लगा देता हूँ, इधर सही रहेगा ना। दो लगा दी मैंने यहीं पे, और इससे बनेगी प्लास्टिक, तो प्लास्टिक इधर बनेगी, ऑयल इधर निकल रहा है पेट्रोलियम। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं इसे, इतने यार सिटी देख के आते हैं, सिटी में क्या क्या चल रहा है। और यार नेक्स्ट एपिसोड में मैं इन्हें भी हटा दूंगा, ये बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं ना। तो लेवल 3 की हो गई ऑयल इंडस्ट्री, चलते हैं वापस देखने। देखते हैं भाई लेवल 3 में क्या क्या खुला था। और तो अब स्मॉल रिग तो खुल गई थी पहले ही, लार्ज ऑयल पम्प भी खुल चुके हैं, इसलिए मैंने अभी स्मॉल वाले इतने नहीं लगाए थे, क्योंकि अब लार्ज वाले भी लग चुके हैं। तो यार इन्होंने तो ऑयल निकाल के देखो, यहाँ से ऑयल हटाना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब ज़मीन में से ऑयल कितना कम हो गया यहाँ पे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मैंने यहाँ पे ज़मीन का सारा ऑयल ख़त्म कर दिया। ओ भाई यार, तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने इतने सारे एक साथ लगा रखे हैं, देखना इन्होंने ज़मीन का तो ऑयल ही ख़त्म कर दिया यहाँ से। यार ये तो फिर सब कुछ मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो मुझे लग रहा है यार मैं कुछ ज़्यादा ऑयल बना रहा हूँ, तो इन्हें हटाना पड़ेगा। नीचे रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया ज़मीन में, तो मैंने शायद ज़्यादा पास लगा दिए सारी चीज़ें, थोड़ा नहीं दूर दूर लगाना चाहिए था। अब जैसे इधर ऑयल है ना पूरा, यार तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है अगर ऐसे ऑयल ख़त्म हो रहा है। तो मुझे इन्हें भी हटा देना चाहिए, मैंने बहुत सारे एक साथ लगा रखे हैं, तो एक जगह पे 4 ही होने चाहिए। और ये क्या है, लार्ज वाले हैं ना ये, तो सारे हटा देता हूँ भाई। अब शायद इधर का ऑयल बच पाए, या तो ऑयल पी गए पूरा ज़मीन में से, है ही नहीं यहाँ पे तो ऑयल अब। यार पर मैंने तो देखा था कि ऑयल इंडस्ट्री बहुत दिन तक चलती है, तो एकदम से ख़त्म कर दिया इन्होंने। मैंने एक्सपोर्ट भी तो काफ़ी करा है ऑयल, तो अभी के लिए इसलिए थोड़ा स्लो कर दिया मैंने काम। और अब इधर बनाता हूँ मैं, तो जैसे ये था स्मॉल ऑयल पंप, यह है लार्ज ऑयल पंप। तो लार्ज वाला तो भाई एक जगह पे एक ही लगाऊंगा मैं, और थोड़ा ना गैप दे दे के लगाऊंगा अब, वरना वही वाला काम हो जाएगा दोबारा। इस बार ना नज़र रखता हूँ मैं थोड़ी, ये कितना ऑयल निकालते हैं, थोड़ा ना पता चलेगा उससे। तो यार दो एक जगह पे सही काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी भी नहीं निकल रहा। इधर तो यार ख़त्म ही हो गया ऑयल, तो इन्हें मुझे सबको हटाना ही पड़ेगा एक एक करके। पर मुझे समझ आ गया कितना दूर लगाना है इन्हें, और अब मैं इतना पास में नहीं लगाऊंगा इन्हें, तो कम से कम 4 टाइल की दूरी पे लगा रहा हूँ। 3 4 4, ठीक है। तो यार इधर भी वही ना हो जाए कि ऑयल ख़त्म हो गया। इंडस्ट्री तो यार कुछ दिन में हटानी पड़ जाएगी यहाँ से, कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वुड वाली में तो ऐसा नहीं है ना। वुड वाली में तो देखो प्लांटेशन लगा दी मैंने भाई, तो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक कर दी इन्होंने चीज़, कि ऑयल गायब भी हो गया। अब देखता हूँ भाई कितना ख़त्म हुआ, इन्होंने भी काफ़ी पी लिया भाई ऑयल तो। और ऑयल इंडस्ट्री से फ़ायदा क्या हो रहा है तो देख लूँ, कितने बन रहे हैं, तो 1900 बन रहे हैं अभी। और इम्पोर्ट तो अभी कम ही हो रहा है, और ये दूसरा प्लांट काम नहीं कर रहा ना अभी, नहीं अब कर रहा है। तो यार $1100 का प्रॉफिट हो रहा है, और बात तो सारी ये है कि ऑयल ख़त्म होने के बाद क्या करूँगा मैं। अच्छा है कि मैंने अभी ट्रेन का यहाँ हब वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि ये कुछ दिन का ही ऑयल है, जब यहाँ माइन हो जाएगा फिर यहाँ पे सिटी बनानी पड़ेगी मुझे। वर्कर बैरेक्स भी है यहाँ पे, इधर ही बना दी मैंने। ये भी यार ऑयल ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, देखो पूरा ये जो ब्लैक वाला हिस्सा पीछे जा रहा है ना, इन्होंने तो कर दिया ख़त्म पूरा। नो नॉट इनफ रॉ मटेरियल आ गया ना यहाँ पे। ये ड्रिलिंग अब तक काम कर रही है, मतलब ये और ज़्यादा अंदर से ऑयल निकाल रही है। यार मैं तो इतना वो था खुश कि ऑयल इंडस्ट्री बना दूँ अपना, पैसे ही पैसा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे एक्सपेंड करते हैं यार, अब थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। इधर से लाता हूँ मैं इसे, और ये आ जाएगी इधर तक, और इनके दोनों तरफ बना देता हूँ जोन, जो कि है रेसिडेंशियल।
इधर मोड़ पे जगह छोड़ देता हूँ थोड़ी सी, और ये पूरा। तेरे लोग स्विमिंग पूल ही बना रहे हैं छत पे, काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग्स बनाई है यहाँ पे। तो ये वाली जगह तो पूरी ट्रांसफॉर्म ही हो गई एकदम। एक बार ऑफिस स्पेस और देखते हैं चल के। यहाँ पे भी चहल पहल है काफ़ी, और इधर कहीं मेट्रो था ना ये रहा। इधर तो पार्क लगाने के फायदे नहीं है, ये सब ख़त्म कर देंगे ये लोग। देखो यहाँ पे ना दिख रहा है डेवलपमेंट, सबसे पहले ये वाला शहर बना था, फिर देखो घर ऐसे बड़े होते जा रहे हैं, और फिर आगे जाके पूरा अपार्टमेंट्स वाला इलाका हो गया। देखता हूँ यार इन्होंने ऑयल ख़त्म कर दिया क्या सारा, नहीं भी तो चल रहा है ये तो। मैंने यार कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट में ज़्यादा ये लगा दिए जो ड्रिल थे। फॉरेस्ट्री में और देख लिया यार क्या क्या चल रहा है। फॉरेस्ट्री से भी प्रॉफिट तो आ रहा है, पर अभी लेवल अप भी करना है ना इसे। तो फॉरेस्ट्री में देखता हूँ क्या क्या खुला है। प्लांटेशन तो मैंने लगा दी ना सारी, मीडियम ट्री प्लांटेशन, स्मॉल तो लार्ज। चल लेवल 4 की हो गई वाली इंडस्ट्री, रिफाइनरी वगैरह भी खुल गई। मेरे प्लांटेशन इधर लगा दूँ, 300 मिलियाँ लगी हुई है पहले से। एक और लगाया था इधर, या फिर एक और नहीं यहाँ पे लगाया था, दो लगाया था ठीक है। और क्या क्या है इसमें, ये तो सब बना दिया था मैंने ठीक है। यार ये इंडस्ट्री बढ़िया लगी यहाँ पे, देखो ग्रीनरी ग्रीनरी, ना पेड़ हट रहे हैं इतने। पर इसमें देखो क्या हो गया है, पूरी ज़मीन ख़त्म हो गई एक तो, ऊपर से अब ज़मीन में ऑयल भी ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा इंडस्ट्री के बारे में मुझे, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा छेड़खानी। यहाँ पे एक्सपेंड करने से पहले मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ। तो अब ना एक काम करते हैं, यहाँ पे यार वो बनाते हैं फिशिंग वगैरह का, मैंने कुछ नहीं बनाया ना अब तक। ओहो पावर की शॉर्टेज आ गई यहाँ पे, इसका तो यही की तरीका है यहाँ पे कि एक और ऑयल प्लांट लगाना पड़ेगा। ये क्या है, सोलर अपड्राफ्ट, 90,000 का है, 240 मेगावाट बना रहा है। और ये सोलर प्लांट को इसको यहाँ बीच में ना लगा दूँ, अरे रोड चाहिए इसको यार, ये पोल्यूशन थोड़ी करेगा इतना, नॉइज़ पोल्यूशन है ना बस। तो इसको यहीं ना लगा दूँ, तो 195 मेगावाट बना रहा है, दिन दिन में तो बढ़िया पावर देगा। सिटी देखो मैंने इतनी प्लान नहीं करी, पर ऊपर से बढ़िया लग रही है काफ़ी। अरे इसमें बहुत भीड़ है, हाई स्कूल है गए। 6,60,000 मेरे पास हो चुके हैं, पैसे तो यार आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। ऑयल इंडस्ट्री से भी काफ़ी प्रॉफिट आ रहा है, और फॉरेस्ट्री से भी। एक फ़िशिंग का वो बनाना था ना मुझे, इस तरह बनाता हूँ, पानी भी साफ़ है इधर, ये रहा पहले से बना भी हुआ है। तो इधर से एक रोड आएगी जो कि यहाँ तक आएगी, और इसे बनाता हूँ यहाँ से कर्व, या कर्व की नहीं हो रही है, हाँ हो रही है। तो ये मस्त रोड आ रही है यहाँ पे। अब इसके साइड में बनाता हूँ एक फ़िशिंग का, ये फिर देखता हूँ क्या क्या है वहाँ पे। फेरी सिस्टम भी बना सकता हूँ मैं वैसे, पर अभी नहीं। तो ये है फिशिंग टूर्स, इसको यार यहाँ पे लगा दूँ ना मैं। और इसके साइड में होना चाहिए एक जेट स्की का रेंटल। तो यार ये देखो यहाँ पे लोग आके जेट स्की कर सकते हैं रेंट पे लेके। और ये है फिशिंग, फिशिंग नहीं ये घूमने के लिए है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए यार यहाँ पे वो चाहिए, पानी, पानी और बिजली। तो बिजली के लिए इसका एक छोटा सा विंड मिल लगा दूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल सबसे छोटा वाला। ये फिर ये पानी वाला लगा देता हूँ ठीक है। तो देखते हैं लोग यहाँ पे आते हैं क्या, इसे रोड को आगे और कनेक्ट कर दूँ मैं, जैसे पानी बहुत पास है इसके। पर अब शायद लोग आएंगे यहाँ पे, अभी तक तो कोई आया नहीं यार। आया एक, आया जरा पैदल पैदल ही आ गया। तो ये गया इसमें बोट वाले में, तो इस ये बोट लेके घूमेगा, फिशिंग टूर्स कराते हैं लोग। और यहाँ पे जेट्स की, काफ़ी सिटी से दूर नहीं हो गई है, इधर बनाते तो ज़्यादा लोग आते हैं ना। यहाँ पे भी आ तो रहे हैं, एक एक दो दो आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो देखना है कि ऐसे बोट पे घूमते हुए इन्हें एक बार स्टार्ट होए। इन आइलैंड्स के बीच में ऐसे 3 ब्रिज बन चुके हैं, पर एक फेरी सिस्टम भी लगा दूंगा। वो यहाँ पे चोरी हो गई यार, यहाँ पुलिस स्टेशन भी लगाना पड़ेगा, स्मॉल वाला लगा देता हूँ बिल्कुल। और एक स्मॉल फायर स्टेशन भी चाहिए। अब इन लोगों ने रॉ मटेरियल की दिक्कत आने लग गई है शायद से, इधर का भी ऑयल ख़त्म हो गया। इन्होंने भी ऑयल ख़त्म कर दिया यार, बेकार लगी मैं तो ऑयल इंडस्ट्री बहुत। पर यार पैसे तो बहुत आ रहे हैं, ये 7 लाख ऑयल इंडस्ट्री से हुए हैं मेरे, किससे हुए हैं ये मैं पता कैसे करूँ। देखता हूँ यहाँ पे देखता हूँ, तो $11,000 आए हैं मेरे, जिसमें से कि $8,000 सीधे सीधे प्रॉफिट। पर 8,000 डेली के हैं, नहीं 8,000 वीकली है। तो यार हर वीक अगर 8,000 आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है फिर तो। कम फ्रॉम इंडस्ट्री या फिश इंडस्ट्री, तो ऑयल से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पैसे, मतलब बढ़िया है। अगली बार मैं और बड़े बड़े चीज़ें लगाऊंगा। ओ भाई यहाँ पे तो काफ़ी ट्रैफिक आ गया, पर ये लोग बोट लेके जा के नहीं रहे। बोट तो मुझे एक भी नहीं दिख रही पानी में, ना ही जेट्स की दिख रही है।
अरे एक भाई कमेंट लिख के कह रहा था कि इस लेन को मैं 6 लेन कर दूँ, इस वाली रोड को। पर अभी तो काम चल रहा है यार, क्योंकि 6 लेन के लिए सब चीज़ें उड़ानी पड़ेंगी ना। ट्रैफिक तो नहीं हो रहा है, ये 6 लेन है ही पहले से ही, और यहाँ पे ऑफिस की भी बहुत डिमांड है, तो इस पूरे को ऑफिस स्पेस ही कर देता हूँ। यार ये तो सक्सेसफुल हो गया है। तो गाइस इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर पसंद आए तो। तो ऑयल इंडस्ट्री तो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। ये जो जितना भी एम्प्टी स्पेस है इसे पूरा भरना है मुझे।